अब्दुल रहीम भाई मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ये शॉप है म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से, इसे कितनी देर हो गई है? एक्चुअली सर इट्स बीन आई थिंक वी हैव मेड सिंस 1974 एंड इट्स बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय माय फादर. तो उन्होंने स्टार्ट किया था बेसिकली हमारी जो ये आउटलेट है इट्स बाय एंसेस्टर्स. तो एंसेस्टर्स से चलती आ रही है ये और वी डील इन ऑल काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज यू सीन ऑल ओवर देयर कि आपको इलेक्ट्रिक गिटार मिलते हैं, गिटार्स, यूकेलेली, हम सारे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं. कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन पहले हो और जो उनकी डिमांड हो वो हम पूरी कर सकें. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ये शॉप है इसकी और भी ब्रांचेज हैं? यस वी डू हैव ब्रांच इन डिफेंस, हमारी DHM है एज वी डिड हैव इन पेस. तो सम हाउ एज यू नो के कॉन्सिक्वेंसेज जो पेस में हुए वो जल गया था, बट राइट नाउ वी आर नॉट इन पेस. बट डिफेंस में हमारी DHM है, इधर है, लेकिन इन द फ्यूचर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऑल ओवर द पाकिस्तान. अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपके पास गिटार पड़ी हैं इसमें एक्विस्टिक गिटार आपने बताया है, उसके अलावा सेमी एक्विस्टिक है, चाइल्ड, इस तरह के जो गिटार आपने बताए हैं उसकी एक्चुअल प्राइस आप बताएं, और उसके अलावा उसमें कितनी टाइप्स आपके पास इस वक्त अवेल हैं, और जो बिगनर्स हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं स्टार्ट करते हैं उनके लिए कौन सी इस वक्त बेस्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप सिर्फ गिटार्स के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं? अगर आप गिटार के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमारे पास गिटार की एक पेरेंट कैटेगरी होती है, एज एवरीबडी नो के गिटार होता है, लेकिन नोबडी नोज के उसकी फर्दर चाइल्ड स्पेसिफाइड पेरेंट कैटेगरी क्या होती है. तो हमारे पास अकुस्टिक गिटार्स होते हैं, सेमी अकुस्टिक गिटार होते हैं, स्पेनिश गिटार होते हैं और इलेक्ट्रिक गिटार होते हैं. ये हो गए हमारे गिटार्स. देन यूकेलेलीज भी आप दिखाना चाहेंगे फुट उसकी प्राइस वगैरह बताइएगा. तो आइए गाइस चलते हैं इनकी तरफ और इनके पास जितने भी गिटार्स पड़े हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और उनकी एक्चुअल प्राइस जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ. अच्छा सबसे पहले आप बिगनर्स के लिए, सबसे पहले अगर आप बिगनर्स में आप देखना चाहते हैं हमारे पास अकुस्टिक गिटार्स में आपको बिगनर्स में मिल जाएंगे. दीज ऑल ओवर द गिटार्स, दीज आर द अकुस्टिक गिटार्स, चेक इट आउट दीज, एंड दिस इज फ्रॉम एक्विटस मेड फ्रॉम अमेरिका. डिफरेंट वी डू हैव अ डिफरेंट क्वालिटी गिटार्स, सम बेसिकली वी इम्पोर्ट यूजली फ्रॉम चाइना, हांगकॉन्ग, अमेरिका. डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट वराइटीज़ हैं और नॉट जस्ट इन वन क्वालिटी बिगनर्स, हमारे बिगनर्स ही डिफरेंट क्वालिटीज़ में पड़े. मुझे ये बताइएगा जो जो बिगनर्स हैं उन्होंने अगर स्टार्ट करना है किसी गिटार से और वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें कौन सा रेफर करेंगे जो सबसे बेस्ट और रीजनेबल प्राइस? ऑलराइट सबसे पहले तो होता है बिगिनर्स में दो स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं, द पर्सन आइदर दे वांट टू परस्यू फॉर द लॉन्ग टाइम. अगर तो वो लॉन्ग टाइम परस्यू करना चाहते हैं देन हम उन्हें थोड़ी इंटरमीडिएट क्वालिटी दिखाते हैं जिसमें दे कैन परस्यू फॉर द लॉन्ग लाइक 5 to 10 years ईजिली. अगर तो बेसिक बिगिनर्स चाहिए तो उसमें आपको ये मिल जाते हैं गिटार्स, ये बेसिकली बेसिक बिगिनर्स हमारे पास चाइनीज भी पड़े हुए हैं और हांगकॉन्ग के भी बने हुए हैं. आइदर यू कैन हैव एन अदर इक्विटस आयरन और फेंडर में भी मिल जाते हैं लेकिन वो थोड़ी बेसिकली हाई क्वालिटी है. अदर द पर्सन हु वांट टू कंटिन्यू और वो गिटार के बारे में जानता है और वो कंटिन्यू करना चाहता है तो डिफरेंट क्वालिटीज होती है. मुझे इनकी प्राइस बताइएगा आप. अगर आप सबसे बेसिक गिटार की बात करें तो बेसिक गिटार की हमारी प्राइजेज यहाँ पे हैं, डिफरेंट प्राइजेज हैं 9,000, 10,000, 15,000 तो सो ऑन. जो बिगिनर्स क्वालिटी गिटार्स होते हैं वो हमारी जाती हैं 18,000 तक. डिफरेंट वराइटीज़ हैं जिसमें मैंने बताया अमेरिकन है, इंडोनेशियन है और चाइनीज़ हैं, तो वो हमारी जो रेंज है वो 15,000 to 18,000 जाती है. अच्छा आपके पास जो कम से कम प्राइस में गिटार है और बिगनर वो यूज़ कर सकते हैं उस पर सीख सकते हैं वो कौन सा है? वो आपको मिल जाएगा दिस गिटार एंड दिस गिटार, ये गिटार मिल जाएंगे, ये गिटार मिल जाएंगे. और आगे अगर आप विजिट करना चाहें तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कम ओवर सारी वैरायटीज लगी हुई है तो ये वाले गिटार की रेंज आपको मिल जाती है डिफरेंट 9,500, 10,000. बट अब हम GST चार्ज नहीं करते हैं इसलिए हमारी प्राइस थोड़ी सी कम है. और अगर हम GST चार्ज करें एज न्यू के कॉन्सिक्वेंस ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ के इम्पोर्ट बंद है, अगर हम GST करें तो यही प्राइस भी हमारी चली जाती है 12,000. बट राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग मच द GST. तो अगर हमारी इसकी प्राइस बिजनेस की देखी जाए तो 11,500, 10,000. अच्छा मुझे आप दिखाएं जो इलेक्ट्रिक गिटार होते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार में आपके पास कम से कम प्राइस में और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में कौन से पड़े हैं और उसके अंदर स्पेक्स क्या हैं? श्योर डेफिनेटली आई वुड की आपको डिफरेंट गिटार्स मिलते हैं इलेक्ट्रिक गिटार्स. और इलेक्ट्रिक गिटार जस्ट डजंट मीन कि इलेक्ट्रिक गिटार एक इलेक्ट्रिक गिटार ही है, उसकी भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको मिलते हैं सिंगल हम्बकर के साथ ट्रेबल्स मिलते हैं, नॉब्स मिलते हैं, डिफरेंट विच क्रिएट्स इफेक्ट्स. तो हमें अगर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे अगर आप इधर आते हैं इसमें आपको मिल जाते हैं सिंगल हम्बकर्स, दे हैव अ 3 टोन्स विच मेड डिफरेंट इफेक्ट्स. ट्रेबल मिल जाता है, इंटरफेस चेंज कर सकते हैं,
और ये इलेक्ट्रिक का बेसिक मॉडल है। इसमें आपको फेंडर भी मिल जाता है, प्लेयन भी मिल जाता है, यामाहा भी मिल जाता है। अगर हम थोड़े प्रोफेशनल की बात करें और वो गिटार जो हमारे कॉन्सर्ट में भी यूज़ किए जाते हैं और ऐसे गिटार जो हम बेसिकली जैमिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग लेस पॉल की तरफ आते हैं। हमारे पास गिब्सन लेस पॉल है, आईब्रीज मिल जाएगा, एक्यूरेट मिल जाएगा, तो उसमें डबल हम्बकर यूज़ किए जाते हैं, इसमें साउंड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसकी रिलायबिलिटी अदर देन गिटार ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें जो आपके पास सबसे कम प्राइस में पड़ा है वो उसकी कितनी प्राइस और कौन सा है? उसमें आपको सबसे इसमें आपको डिफरेंट कलर्स, वी डू हैव डिफरेंट कलर्स इन दिस, इसमें कलर डिफरेंट मिल जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? ये प्लेयन का गिटार है और ये सिंगल हम्बकर के साथ बेसिक गिटार है। इसमें आपको मिल जाती है जो स्टार्टिंग प्राइस है आपको मिल जाती है 35,000, और उसमें फिर अगर आप इसकी बात करें आगे और इसी उसमें जो आपके भाई ये गिटार पड़े हैं इलेक्ट्रिक, इसमें जो सबसे महंगा वाला गिटार है वो दिखाएं। अच्छा, इसमें सबसे महंगे वाला गिटार तो राइट नाउ हमारे पास जो सबसे अभी महंगे गिटार्स पड़े हैं एक्सपेंसिव दो, तो वो आपको ये मिल जाएंगे। लेस पॉल मिल जाएगा इसमें, ये है, ये लेस पॉल आपको मिल जाता है 6 लाख का। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें आयरन की, ये वाला इम्पोर्टेड फॉर अमेरिकन है, ये वाला गिटार आपको मिलता है 3 लाख का। तो डिफरेंट प्राइजेज हैं डिफरेंट इफेक्ट के साथ और डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ। इलेक्ट्रिक गिटार का मतलब ये होता है डिफरेंट फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकें हम प्रोसेसर्स के जरिए, तो ऑल दो ये गिटार थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मेरी ऑडियंस है जब मेरी वीडियो देखेगी तो उनका सबसे पहला सवाल ये होना है कि इनकी शॉप में सबसे महंगा गिटार कौन सा है और उसमें क्या स्पेक्स हैं वो। सबसे महंगा गिटार हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक में पूछना चाहें तो इलेक्ट्रिक के अलावा, अगर इलेक्ट्रिक के अलावा बात करें तो इलेक्ट्रिक के अलावा और कोई गिटार महंगे नहीं होते। अदर देन क्या होता है, अकुस्टिक की बात कीजिए तो मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। हमारे पास एस वी नो के, हमारे पास यामाहा होता है, हमारे पास फेंडर होता है, तो आपको एक्सपेंसिव गिटार्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार में जो सबसे ज़्यादा बेसिकली एवरीबडी नोज, अगर तो वो गिटार के बारे में जानते हैं तो दे ऑलरेडी नो के लेस पॉल बहुत महंगा गिटार है। उसके अलावा फेंडर टेलीकास्टर, फेंडर स्ट्रैटोकास्टर, वो बहुत महंगे गिटार्स हैं। तो अगर उनकी बात की जाए तो वो आपको 6-7 लाख से महंगे सस्ते नहीं मिलते हैं, और वो ये गिटार्स लगे हैं आपके साथ दिखा रहे हैं, इनकी 6-7 लाख प्राइस सिंगल ईच गिटार। यस, तो गाइज आप लोगों ने देख लिया है कि भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें जो गिटार्स हैं वो सारे दिखाए हैं। उसके अलावा इनके साथ हम लोग ड्रम किट की तरफ भी चलते हैं, ये हमें ड्रम किट भी दिखाएंगे, उसकी भी प्राइजेस बताएंगे। और इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, और इनके साथ ड्रम किट की तरफ चलते हैं और उनकी भी प्राइजेस पूछते हैं और उनके भी स्पेक्स पूछते हैं कि वो इस वक्त फाइनल किस प्राइस में ये दे रहे हैं। हमारे पास राइट नाउ जो गिटार्स पड़े हैं, ड्रम सेट्स पड़े हैं, आपको स्टार भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये वाला जो ड्रम किट के प्राइस आपको मिलती है 1,95,000 विदाउट GST। और ये हम से आप ड्रम की प्राइस ड्रम स्टिक होती है। तो उसके अलावा आपके पास वो होता है वो तबला कहते हैं, ये आपके सामने ही पड़ा जी। तो गाइस ये तबला देख सकते हैं आप, तबला नीचे पड़ा हुआ है, ये इनके पास पड़ा, ये जो आपके पास सबसे अच्छी क्वालिटी में है उसकी प्राइस बताएंगे। हमारे पास बेसिकली जो तबला होता है, तबला कम्स इन फोक इंस्ट्रूमेंट्स, और फोक इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पाकिस्तान में ही बनते हैं, बाहर से नहीं आते हैं, अदर देन दे इंडिया से आते हैं और पाकिस्तान में ही बनते हैं। अगर उसमें अगर अच्छे तबले की बात की जाए, और तबला भी वो बजाता है जो बेसिकली दे नो नेचुरली म्यूज़िक, और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको मिल जाती है 11,000 से। लेकिन अगर आप इफ़ यू नीड अ बेटर तबला और बहुत अच्छा तबला चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, वो आपको मिल जाता है 16,000-18,000। और वही बात है कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो सबसे महंगे से महंगा तबला है वो इस वक्त आपके पास 16,000-18,000 की रेंज राइट नाउ एग्जैक्टली हमारे पास ये इतने तक का रेंज पड़ा हुआ है। बट एज यू नो मोर यू विल ऐड द शुगर एंड मोर यू विल गेट द गुड टेस्ट, जितना शुगर डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट मिलता है। तो तबले आपको तो 50,000 वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है हमें बेसिकली मार्केट को पिच करना पड़ता है हर तरह की रिलायबिलिटी के साथ कि कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए। अच्छा वो वायलिन की तरफ आए, वायलिन जो होते हैं तो वायलिन की भी प्राइस बताएं, और उसके अलावा आपके पास किस कैटेगरी में पड़े? हमारे पास वायलिन्स डिफरेंट वायलिन्स पड़े हुए हैं। हमारे पास वायलिन्स जो हैं बेसिकली एज आई टोल्ड यू के गिटार्स हमारे डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट रीजन से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो राइट नाउ वायलिन पड़े हुए हैं, हमारे पास जो वायलिन्स हैं वो चाइनीज़ भी पड़े हुए हैं, हांगकॉन्ग के भी पड़े हैं, और जर्मनी के भी पड़े हुए हैं। एज यू सी दिस वायलिन, ये बेसिकली मेड इन जर्मनी है, और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है वॉलन प्ले करने वाले को पता है, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर आप चाइनीज़ वॉलन की बात करेंगे तो आपको फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा और यू हैव टू बी पुट सम मोर एफर्ट। लेकिन अगर आप जर्मन की बात करेंगे, मेड इन जर्मनी, उसमें आपको एक नॉब मिलती है, उसके लिए ट्यूनिंग किट थोड़ी ईजी हो जाती है।
और मेड इन महागनी होती है, इसकी रिलायबिलिटी जर्मन की ज्यादा होती है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है, ये जो आपने ये जर्मन का मेड इन जर्मन जो है इसकी क्या प्राइस है? ये वाला वॉलेंट आपको मिल जाता है 85,000 का, और अगर चाइनीज जर्मन की चाइनीज वॉलेंट की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस इसकी आपको मिल जाती है 16,000-18,000। उसके अलावा फिर हांगकॉन्ग की आपको 25,000-35,000 मिल जाती है। तो डिफरेंट वैरायटीज है हमारे वॉलेंट की भी। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया, इन्होंने भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें गिटार दिखाए हैं, ड्रम किट दिखाई हैं, वायलिन दिखाए हैं और सारी कैटेगरीज की प्राइजेस बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ।